तो चलिए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन में आ गए हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो हम वीडियो एडिटर यूज करने वाले हैं उसको डाउनलोड आप कैसे करेंगे, जो कि ओपन सोर्स है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप फ्रीली आप फुल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें कोई भी वाटरमार्क आपका नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको जस्ट अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। तो गूगल क्रोम ब्राउजर में आने के बाद आपको गूगल सर्च इंजन में सिंपली आपको यहाँ पर जो है टाइप करना है ओपन शॉट। जैसे आप ओपन शॉट टाइप करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो फर्स्ट आपके पास यूआरएल जो आ रहा है ओपन शॉट डॉट ओ आर जी, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप इस वीडियो एडिटर के ओपन शॉट वीडियो एडिटर के ऑफिशियल साइट में, जैसे देखिए अभी हम ऑफिशियल साइट में आ गए हैं ओपन शॉट के वीडियो एडिटर के, और यहाँ पर जस्ट नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखें डाउनलोड में आपको ऑप्शन आ रहा है, आप इसको डाउनलोड में क्लिक कर देंगे। जस्ट आप डाउनलोड में क्लिक करते ही आपके आपसे विंडोज 64 बिट्स में कह रहा है, अगर आपको 32 बिट्स चाहिए तो सिंपली आप 32 बिट्स में कर लीजिए। मेरे पास 64 बिट्स हमारी विंडो है तो हम विंडो 32/64 बिट्स में करेंगे और यहाँ पर जस्ट डाउनलोड में क्लिक कर देना आपको। जैसे आप डाउनलोड में क्लिक करेंगे आप देखिए नीचे यहाँ पर आपका आ गया, कीप आप कर दीजिए तो इस तरह से आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। 131 MB का भी ये है और आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड मैंने किया हुआ है ये, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूंगा और मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ। और हम अब जैसे ही आप अब डाउनलोड हो जाएगा, ये डाउनलोड होने के बाद आपके डाउनलोड फोल्डर्स में आप देखेंगे तो यहाँ से आप सेटअप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा ओपन शॉट वीडियो एडिटर, आपको इसको जस्ट क्लिक करना है और इसको कैसे यूज करना है, इसमें कैसे आप वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे वो हम आपको जल्दी शॉर्ट में आपको बताते हैं कि कैसे आप इसको इजीली आप इसमें कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग। तो जैसे देखिए आपके सामने अभी ओपन हो गया है हमारा जो ओपन वीडियो एडिटर, आपके सामने स्क्रीन में खुल गया है। तो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं इस पार्ट को प्रोजेक्ट फाइल्स बोलते हैं, जो भी आपकी वीडियोस होंगी, इमेजेस होंगी, ऑडियोज होंगी और जो भी आप इसे यहाँ यूज करेंगे फाइल को यहाँ पर आपके वो कलेक्ट होंगी। और यहाँ नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं, जो भी आप इफेक्ट्स लगाना चाहोगे तो वो सारे इफेक्ट्स आप यहाँ से अप्लाई कर पाओगे अपने जो भी वीडियो है या इमेज है। यहाँ पर आपका प्रीव्यू दिखाई देगा, वीडियो जो भी प्रीव्यू आप देखना चाहो, और यहाँ पर आपके वो जो कंट्रोल्स आएंगे, प्रॉपर्टीज आएंगे, जो भी वीडियोस के कंट्रोल्स होंगे, एंड ये टाइमलाइंस हैं। आपको यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा टाइमलाइन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 तक आपको टाइमलाइंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे हम यहाँ पर अपने वीडियोस को लेके आएंगे। आपको सिंपली आप देखिए देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस सिंबल देखने को मिल रहा है, इसको आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे आप इसको प्लस को क्लिक करेंगे तो आपको अपनी वीडियो जहां पर भी जिस लोकेशन में आपकी वीडियो है उस लोकेशन से आपको अपनी वीडियो लेके आनी पड़ेगी। तो मैं पहले वीडियो इसमें लेके आता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पर वीडियोस हैं, मैं ये वीडियोस यहाँ से लेके आता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो देखिए ये हमारी ये वीडियोस आ गई है। इस वीडियो को अगर आप गौर करेंगे तो इस ये वीडियो हमारी यहाँ पर आ गई है, और इसको आप इस वीडियो को आप क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रैग करके यहाँ पर रिलीज करना पड़ेगा, जिस टाइम लाइन में भी आप रिलीज करना चाहते हैं वहां पर आपको रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो
तो रिलीज करने के बाद आप प्ले करके चेक कर सकते हैं कि कहां से आपको ये कट करना है, ठीक है। तो मुझे एक वीडियो और मैं अभी ले आता हूं, पहले उस वीडियो को भी, दोनों वीडियो को ले आते हैं। तो देखिए दो वीडियोस आ गए हैं। अब यहां पर मुझे कट करना है सपोज, तो मैं देख लेता हूं पहले कि कहां से कट है ये। तो मैं इसको ट्रैक करता हूं इस टाइमलाइन में, तो मैं देख लेता हूं कहां से स्टार्ट किया मैंने। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने यहां से स्टार्ट करना है इसको, कट करना है। तो थोड़ा सा मैं ड्रैग करके फिर बैक ले जाता हूं, तो मैं यहां से इसको कट करूंगा। तो देखिए यहां पर एक आपको देखिए कैंची टाइप की दिख रही होगी, इस कैंची को आपको यहां से लेके आना है, ठीक है। जैसे ही आप कैंची टूल को आप क्लिक करेंगे और यहां लेके आएंगे इस कैंची को, तो देखिए एक इस लाइन आ जाएगी आपकी। आप जस्ट इस लाइन को आपको क्लिक करना, तो देखिए मैं इसको लाइन में क्लिक करता हूं, तो थोड़ा पीछे से करता हूं, मैं इसको पीछे से करता हूं फिलहाल। तो देखिए उसी को क्लिक करके आप इसको रिमूव कर दीजिएगा, जो पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, देख सकते हैं आप अभी दो पार्ट में डिवाइड हो गए यहाँ पर। और मैं इस पार्ट को हटाना मुझे, तो जस्ट राइट क्लिक करके रिमूव क्लिप में कर दूंगा और इसको ट्रैक करके पास ले आऊंगा। देखिए इसको ट्रैक करके पास ले, ठीक है। तो इस तरह से मैं कट कर सकता हूँ किसी भी वीडियो को और यहाँ पर बैक कर लेता हूँ, ठीक। अब देखते हैं, प्ले करके चला के देखते हैं इसको। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो देखिए आज हम जो बात, तो आप वीडियो में देखा होगा अभी आगे के वीडियोस में, तो मैं अगर कोई इफेक्ट लगाना चाहता हूँ ट्रांजिशन इफेक्ट, तो ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए मैं बस आपको ड्रैग करना है और देखिए मैं स्टार्टिंग में ट्रांजिशन इफेक्ट लगा देता हूँ, तो आप प्ले करके देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज हम जो बात करने वाले हैं कि आप को कोई, तो देख सकते हैं आप इस तरह से ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और कट करना है इसको, तो और इसको कट किया जा सकता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा और कट कर देता हूँ, ये देखिए, और इसको ड्रैग करके फ्रंट में ले आता हूँ। ये इफेक्ट्स फिर से मैं बिगनिंग में लगा देता हूँ इस इफेक्ट को। तो अगर ये इफेक्ट लग नहीं रहा है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, और देखिए इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं इस इफेक्ट को। तो देखिए मैं इसको सेव कर देता हूँ सिंपली, कहीं पर भी आप इसको सेव कर लीजिए। तो मैं सेव कर देता हूँ, तो कंट्रोल एस करके आप डायरेक्टली कंट्रोल एस कर सकते हैं, या फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं। तो कंट्रोल एस करके आप लोकेशन में, जिस लोकेशन में भी आप चाहें इस फाइल को सेव करना, उस लोकेशन में आप सेव कर दीजिए। उसका फाइल नेम देके आप एंटर की प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से मैं ये इफेक्ट्स यहाँ पर अप्लाई करता हूँ दोबारा से, इसको ट्रांजिशन को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। तो देखिए दोबारा प्ले करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो चलिए ये इफेक्ट जो है काम कर रहा है, बट देखिए
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज हम जो बात करने वाले हैं कि आप को कोई थंबनेल बनाते हैं आप, तो देखिए आप इसको कहाँ तक आपको लेके जाना है ये भी आपको देखना पड़ेगा। करेगा आप प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, अच्छी लगी हो तो आप हमारी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तो देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा और बहुत बढ़िया तरीका आपको बताता हूँ, आप इस वीडियो को देखिए और विद इन सेकंड्स के अंदर आपका जो बैकग्राउंड किसी भी तरह का जो फोटो है उसका बैकग्राउंड हट जाएगा, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाएगा करेगा। आप प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो या नहीं जानते हो, फिर भी आप ये कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए जहां पर मुझे इसको कट करना था वहां पर फिर दोबारा से मैंने यहां से देखिए सिंपली सिंपल वे में यहां पर मैं कट कर लेता हूं उसको। ठीक है, कट करने के बाद मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए तो इस पार्ट को अभी मैं ड्रैग करके नीचे ले लेता हूं। ठीक, अब मुझे यहां पर अपना जो है इंट्रो लगाना है, तो जो हमारा इंस्टीट्यूट का इंट्रो है उसको हम लगा देते हैं यहां से। देखिए यहां पर हमने लगा दिया ही। इसको अगर आप इस वीडियो को अगर इस वीडियो को आप थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन इफेक्ट्स अप्लाई कर देता है, देख सकते हो आप। और अगर हम इसको आप चलाएंगे तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट भी दिखाएगा। ऑपरेटर हो या नहीं जानते हो फिर भी आप ये कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख सकते हो। तो ट्रांजिशन इफेक्ट अगर आपको कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो उसको। देखिए तो यहां से आप एप्लीकेबल कर सकते हो ट्रांसफर इसको, मैं इसको हटा दे रहा हूं अभी। और अगर नहीं करना है आपको तो आप हटा भी सकते हैं नॉर्मली, या नहीं जानते हो फिर भी आप ये कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ही वीडियो। ये मेरा इंट्रो आ गया। अब जो मेरा मेन वीडियो है मैं उस वीडियो को यहाँ पर एप्लीकेबल कर देता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ उसको, जूम करके ड्रैग करके यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम तो ये हमारा एक्चुअली लगा हुआ है, ये भी हमारा चल रहा है वहां पर, इसलिए आपको डबल आवाज में दे रही है। तो ये देखिए हम अभी आ गए हैं अपने मॉनिटर स्क्रीन में और आपको बताते हैं कि बैकग्राउंड इमेज आप कैसे बिना प्रोफेशनल नॉलेज। तो देखिए इस तरह से ये जहां तक भी आपकी वीडियो है वहां तक आप देख लीजिए, इसको जूम कर सकते हो आप और जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो यहाँ से आप। यहाँ पर तक हमारी वीडियो है ये, तो हम इस वीडियो को यहाँ तक लेके जाते हैं। ठीक है, और अगर आप ठीक है तो हम ये इसको थोड़ा कट कर देते हैं। कट करके हटा देते हैं, जस्ट आपको यहां पर देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर इसको ड्रैग करके। तो यहां पर देखिए मैं इसको प्लेस करता हूं और प्लेस करने के बाद चेक कर लेता हूं। नहीं, आप नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी हम अपलोड करेंगे अपने वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एंड हो रहा है वीडियो, तो मैंने यहाँ पर एंड के बाद कट कर दिया। यहाँ पर मुझे काटना है इसको तो ये सीजर लिया यहाँ से कट कर दिया इजीली। और इस वीडियो को भी चला के देख लेते हैं कि कैसे हम अपने इमेज का बैकग्राउंड हटाएंगे। तो इसके बाद आप इसमें आराम से इसको कहीं पर भी किसी भी
अगर उसको लगाना है आपको ठीक है, नहीं लगाना है तो हम उसको हटा देते हैं, ठीक है, एंड यही कर देते हैं, और इसका एंड वाला भी इसमें लगा देते हैं। तो जूम इन जूम आउट करना है आपको, तो उसको स्क्रॉल करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो आप इजीली। तो देखिए मैंने लगा दिया, यहां पर हमारा एंड होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, और अगर जैसे आपकी ये लास्ट में आप देख पा रहे हो इसकी वॉइस अगर आपको हटानी है, वॉइस बंद करनी है, तो आप राइट क्लिक करके वॉल्यूम में जाइए, वॉल्यूम में जाके आप एंटायर क्लिप्स में 0% लेवल कर दीजिए इसका, तो जब आपका ये एंड होगा, देखिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो देख सकते हैं इस तरह से वीडियो जो भी आपकी चल रही है उसकी आप वॉइस को हटा सकते हैं इजिली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा वीडियो बन गया। इसमें ग्रीन स्क्रीन लगा सकते हैं, जैसे सपोज करके हमने कहीं पर अगर बोला है कि सब्सक्राइब कर लीजिए इसके चैनल को, तो सब्सक्राइब चैनल का अगर आपको लगाना है, मान लो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगाता हूँ मैं, यूज कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है वाला, तो मैं सब्सक्राइब वाला लेके आता हूँ ग्रीन स्क्रीन। जैसे मैंने ग्रीन स्क्रीन लिया और ओपन कर दिया, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप ग्रीन स्क्रीन वाला हमारे पास आ गया, और यहाँ पर मैं उसको प्लेस करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तो इस तरह से आप ग्रीन स्क्रीन आ गए। देखिए ग्रीन स्क्रीन से आपने क्रोम वाला ऑप्शन लेना है, क्रोम उस पर आपको रिलीज कर देना है, और रिलीज करने के बाद आप यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सी ऑप्शन आ रहा है, देखिए, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिंपली। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इस ब्लैक में क्लिक करिए, डबल क्लिक, तो सिलेक्ट कलर्स आएगा, पिक कलर्स में क्लिक करने के बाद ग्रीन में क्लिक करना है आपको, एंड ओके, और उसके बाद यहाँ पर आपको रेशियो डालना है 210 रेशियो। ठीक है, 210 का वैल्यू अगर आप डालोगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन। तो देख सकते हैं आप इस तरह से आप लगा सकते हैं, उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। तो आप सेव करने के लिए आप सिंपली आप सेव बटन में क्लिक करेंगे, ये रेड वाले में प्रेस करेंगे, और उसका नाम देंगे जहां पर भी आपको सेव करना है, जैसे मैं ये इस लोकेशन में सेव करना है इसको, ठीक है, और मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप एक्सपोर्ट वीडियोस में क्लिक करेंगे, तो अब इस तरह से आपके वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी। तो इस तरह से हमारी पूरी वीडियो हमारी सेव हो चुकी है, और जिस लोकेशन में भी हमने वीडियो बनाई है उस स्टेज सेव की है, उस लोकेशन में आप जाइए और चेक करते हैं कि वो जो हमारी वीडियो है, तो यहाँ पर हमने सेव की थी। देखिए यहाँ पर हमारी वो फाइल आ गई है, इसको आप डायरेक्टली आप उसको प्ले कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज हम अदर स्टार्ट नॉर्मली जो उस लिंक का नाम है उनकी ओपन करना नॉर्मली एडिटिंग कर सकते हैं अपने जो है वीडियो एडिटर के अंदर, जो कि आपका ओपन सोर्स
आपको मैंने बताया था ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर से, जिसमें आप आसानी से अपनी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और तो आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और अगर बेल आइकन ना प्रेस करेंगे तो जब भी हम नया वीडियो आप अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।